जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में निकली आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी सैलरी और सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो एक वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करने से पहले जो जानना जरूरी है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन से कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी और अपडेट मिलती रहे। आप हमारा यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को लाइक कर लें। यदि आप हमारा यह वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट मिलती रहे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। तो बात करते हैं फ्रेंड, हमारी जो वैकेंसी है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, जिसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकली है। तो फ्रेंड आपको जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइज नंबर 16/2021 13/10/2021 को आया, जो आपका फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट, आपका 11 मंथ का प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और टेम्प्रेरी बेस पे रिक्रूटमेंट है फॉलोइंग पोस्ट, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, स्टोर परचेस आपका असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लैब इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आदि की है। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट नोटिस 16/2021 14/10/2021 को आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 11 मंथ का प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 16/10 से आपको लेकर 8/11 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पे सेपरेट रहेगी फॉर ईच एडवर्टाइजमेंट, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है, नेट बैंकिंग यहाँ पे आपको दे सकते हैं, और 250 रुपये फीस है एस सी एस टी आपके जो कैंडिडेट है उनके लिए। आप ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर की, मैकेनिकल, कंप्यूटर की यहाँ पे 1-1 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं नेम ऑफ आपका सेक्शन गुजरात पावर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महसाना, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, सिविल की, मैकेनिकल की, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल, पीजी डिप्लोमा इन आपका बायो इन्फॉर्मेटिक में, यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हैं, महसाना में है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका फार्मेटिक, आपका फार्माकोलॉजी, आईओटी, डाटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आपका सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर में यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकल, मैथ, इंग्लिश, यहाँ पे इंटीग्रेट आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस 3 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की यहाँ पे आपकी वैकेंसियाँ हैं। स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में है योकी महसाना, यहाँ पे गुजरात पावर टेक्नोलॉजी इंजीनियर इंस्टीट्यूट में है, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आप वैकेंसी दे सकते हैं, लेबोरेटरी आपका असिस्टेंट की, आईआईटी एंड डाटा साइंस 1, मोबाइल कंप्यूटिंग की, वायरलेस टेक्नोलॉजी की 1, मैकेनिकल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1, कंप्यूटर की 3 और सिविल की 1 है, महसाना में है। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश पोस्ट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे लेबोरेटरी आपका टेक्नीशियन की 1 है, यहाँ पे जिसकी आपका ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्टोर कीपर की 1 है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्टोर की आपका परचेज असिस्टेंट की 1 है आपका जो कि महसाना में है, लाइब्रेरी असिस्टेंट आपकी आपकी कैटलॉगर की 1 जो कि आपका महसाना में है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पे 1, जीटीओ ऑफिस, लैब इंस्ट्रक्शन की आपका गुजरात पावर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महसाना। तो ये आपकी वैकेंसी है, इसके बारे में आप दे सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, बाकी आपकी अन्य डिटेल है, लैब टेक्निक इंस्ट्रक्शन की है, मैकेनिकल फिटर की है। ठीक है, तो ये पूछते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 8 पोस्ट है, जिसमें जीटीओ ऑफिस गुजरात की है जो कि महसाना से है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑल अबव द पोस्ट इनिशियली मेड 11 महीने का रहेगा, जो कि प्योरली रहेगी टेम्प्री, फॉर रेगुलर पोस्ट के आपका अपडेट के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, फॉर एनी कॉन्टैक्ट क्वारी के लिए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कैंडिडेट ऑब्टेन एनी डिग्री फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट सिस्टम फॉलो बाई ही शुड बी प्रोवाइडेड इक्विवेलेंस क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी प्रोफेसर की, यहाँ पे बात करें पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट इन फर्स्ट क्लास या उसके इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए मास्टर लेवल रिलेवेंट ब्रांच में, यहाँ पे और दे सकते हैं 10 साल
मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री आउट ऑफ विच, जिसमें 3 साल का आपका होना चाहिए आपका पोस्ट इक्विवेलेंट डेट इन एसोसिएट प्रोफेसर, और एटलीस्ट 6 साल का रिसर्च पब्लिकेशन आपका होना चाहिए एट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जनरल UGC AICT अप्रूव्ड लिस्ट होना चाहिए जनरल, और एटलीस्ट 2 साल का सक्सेसफुल PhD गाइडेंस सुपरवाइजर को सुपरवाइजर या 10 साल का रिसर्च पब्लिकेशन एट द लिस्ट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर आपका जो SCI जनरल में, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 37,000 से लेकर 67, यहाँ पे एक आपका GP आपको 10,000 रुपये है, आपका कंसल्टर फिक्स अमाउंट रहेगा 75,000 पर मंथ। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, PhD डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड वास्कलाट आपका इक्विवेलेंट आइदर बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में, एटलीस्ट आपका 6 साल का रिसर्च पब्लिकेशन SI जनरल UGC AICT अप्रूव्ड लिस्ट होना चाहिए, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री आउट ऑफ विच 2 साल का PhD एक्सपीरियंस। आपकी सैलरी 37,000 से लेकर 67, यहाँ पे आपका फिक्स रहेगी 65,000 पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैचलर या मास्टर रिलेवेंट ब्रांच में फर्स्ट क्लास इसके इक्विवेलेंट या वन ऑफ द डिग्री। यहाँ पे आपका रिस्क ने आपका प्रोसेस बेसिक नॉलेज होनी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डिस्क्राइब आपको यहाँ पे डिजायबल PhD डिग्री। 15,000 से आपकी रखी गई सैलरी आपकी फिक्स रहेगी 55। एलिजिबिलिटी ए और बी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे ए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क, ठीक है। बी यहाँ पे सेकेंड आपका एम है आपका बिसाइड फुलफिलिंग ऑल ऑफ क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बाई UGC ऑफ द ईयर या आप CSIR सिमिलर टेस्ट आपका एक्रेडिटेबल बाई UGC लाइक आपका स्लेट या सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, आपका दी PhD थीसिस कैन बी इवेल्युएट एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेटर, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल देखने को मिल जाएगी एन ओपन PhD वाइवा आपका जो होगा कैंडिडेट हैज बीन कंडक्ट, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। या आपको बी में देखा PhD डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद रैंकिंग अमंग द टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिटेल देखने में एलिजिबिलिटी ए बी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका जो मास्टर्स ऑफ साइंस के बारे में यहाँ पे देगा कंप्यूटर साइंस के बारे में, यहाँ पे आपको बाकी डिटेल दे सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें क्वालिफिकेशन 50% मार्क इन डिप्लोमा बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री रिलेवेंट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांच प्रोग्राम में, गुड आपका अपडेट नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें आपका ईमेल वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे आपको देखने में सैलरी 18,000 है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें 50% आपका डिप्लोमा फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज या 50% बी फार्मा रिकॉग्नाइज से 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पे सैलरी 20,000 रुपये है, बाकी आप देख सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी का अच्छे ज्ञान होना चाहिए और नॉलेज ऑफ गुजराती होनी जरूरी है। स्टोर कीपर की बी फार्मा BSc 55% मार्क रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 साल का मैनेजमेंट आपका केमिकल ग्लासवेयर लैब वेयर्स में रिलेवेंट आइटम इन्वेंट्री एक्वायरिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 20,000 रुपये सैलरी है, आपको नॉलेज होनी हिंदी अंग्रेजी और गुजराती की, ठीक है। आपको गुड नॉलेज होनी कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टोर कीपर आपका परचेस असिस्टेंट की 55 ग्रेजुएशन में 2 साल का आपका मैनेजमेंट केमिकल ग्लासवेयर में होना चाहिए, 8,000 सैलरी है सेम बाकी डिटेल एक जैसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की आपका जिसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 18,000 सैलरी देगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन BE BTech 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांच में, आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी अंग्रेजी और गुजराती की, बाकी आपको दे सकते हैं 30,000 रुपये सैलरी है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की या BE BTech MCA या आपको दे रखा है, ठीक है, MSc IT से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम नॉलेज होनी चाहिए भाषा की, ठीक है। आपको डिसिप्लिन दे रहा है 35,000 सैलरी है। लैब स्ट्रक्चर मैकेनिशियन की यहाँ पे देख सकते हैं फिटर की यहाँ पे 18,000 सैलरी दे रखी है, आपको अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, 50% BE BTech डिप्लोमा, यहाँ पे 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसिप्लिन में। प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको BE BTech MBA ME MS PGDMA M Pharma CA या मास्टर डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं इनके बारे में, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को लगभग सब जानकारी दे दी है। यहाँ पे आपको ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में दे रखा है। फ्रेंड चलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग या नॉन टीचिंग, मैं टीचिंग के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। अगर नॉन टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना है। तो मैं लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सरनेम
आपको पूरी जानकारी देनी है, फादर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का, रजिस्टर पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आपको एनी क्वेरी के लिए यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं टीचिंग पोस्ट के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी, आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर के लिए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना सर नेम है वो दे देता हूँ, नाम है ईशान, फादर नेम इस तरीके से यहाँ पे देता हूँ, ईमेल आईडी है और पासवर्ड मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया। आप एक बार डिटेल चेक कर लें, यहाँ पे लॉगिन की आ रही है तो देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को जीटीयू से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आ चुका है। अब मैं जब जो पासवर्ड था मैंने जो दिया था वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए डिटेल है वो अपनी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आपने फिल करी थी। मदर का नाम देना है, प्रेजेंट एड्रेस है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, स्टेट, पिन कोड और फोन नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। ये आपको डिटेल अपनी प्रोवाइड करानी है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। अलग अलग है तो आपको अलग अलग जानकारी देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है बर्थ प्लेस, होम स्टेट, जहाँ पे आप पैदा हुए थे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मेल फीमेल जानकारी देनी है, शादीशुदा है उसके बारे में बताएंगे, आपका आधार कार्ड नंबर, मदर टंग क्या है, यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पे बताना, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेस्टिनेशन, आपका बेसिक पे, आप प्रेजेंट स्किल, पे स्किल, आपका जो पर्सनल मार्क आइडेंटिफिकेशन है, आपकी बॉडी पे कोई निशान बता सकते हैं, वेदर एक्स सर्विस मैंने यस या नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए कब से लेकर कब तक काम किया है, एक्स आपका जो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, यहाँ पे किस में आपने काम करते तो वो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, आपके जो भाषा जानते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप टिक कर देना है, ठीक है। इन सब के बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं किस तरीके से एक्सीलेंट है, एवरेज है, पुअर है, यहाँ पे बता दीजिएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी यस या नो करना है, नेशनलिटी यहाँ पे बतानी है, सिटीजन आपका बाई बर्थ है, प्रेजेंट आपको सिटीजनशिप के बारे में बताना है, तो यहाँ पे मैंने यस या नो कर दिया है, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी में यहाँ पे आपका देखिए सिविल सर्जन, मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, इंटर और लेवल परसेंटेज क्या है वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिए गए पर्सनल डिटेल के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, रिसर्च और पब्लिकेशन, क्योंकि मैं टीचर के लिए करी है, ठीक है। यहाँ पे आपका पीएचडी सुपरविजन, सर्टिफिकेट मेडल, ट्रेनिंग, आपका प्रेफरेंस, अपलोड फोटो, साइन, ये सब आपका रहेगा। फिर इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेटा है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करना है, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको देखिए एरो दिखाई दे जाएंगे, एजुकेशन डिटेल देनी है, सबसे पहले हाई स्कूल परसेंटेज यहाँ पे बताने, आपको फर्स्ट सेकंड थी जानकारी देनी है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, पासिंग ईयर, एनरोलमेंट नंबर आपको उस बताना है, ठीक है। इसी तरह यूजी, पीजी यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, डॉक्टर डिग्री है, पीजी आपकी पीएचडी है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका ट्रिपल सी है, यहाँ पे पोस्ट आपका डॉक्टरेट है, गेट है, डिप्लोमा है, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा एक्सपीरियंस के बारे में, फिर रिसर्च पब्लिकेशन और पीएचडी, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा और स्टेप के बारे में आपको जानकारी दे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा जो सक्सेसफुली हो चुका है, मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करूंगा फिर से। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखिए हमारा तीसरा स्टेप है एक्सपीरियंस के बारे में, यहाँ पे जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको बताना है एकेडमिक लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, किस लेवल पर आपने रिसर्च, आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उसके बारे में, ठीक है। मैंने एकेडमिक लेवल पर करूंगा तो यहाँ पे आपको बताना है कब से लेकर कब तक, ठीक है। पोस्ट आपका पोस्ट बताना है, पोजीशन क्या थी, कहाँ पे काम किया है एम्प्लॉय और नेम और एड्रेस। बेसिक पे यहाँ पे स्किल के बारे में बताएंगे, अगर इंडस्ट्रियल है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल, रिसर्च है आपको उसके बारे में बताना। रीजन फॉर लीविंग सर्विस के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। फ्रेंड अगर ये आप नीचे नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड, आप यूजीसी एआईसीटी अप्रूव, यहाँ पे बताना है आपने जिसके लिए रिसर्च किया है, एसोसिएट आपका जो भी लेवल है, डेस्टिनेशन बता सकते हैं, डायरेक्टर, लेक्चरर, एचओडी है, ठीक है। टाइटल पेज नंबर्स आपका जो है जनरल विद यूजीसी एआईसीटी एसएआई, डेट ऑफ पब्लिकेशन, आईएसबीएन नंबर, इम्पैक्ट फैक्टर, वेदर पीयर रिव्यू आपका इम्पैक्ट फैक्टर यदि है, नंबर ऑफ आपका को ऑथर कितने थे, वेदर यू आर फर्स्ट या कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एट द लेवल, यहाँ पे प्रोफेसर एसोसिएट, यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज मेंशन यू ड्यू एटलीस्ट 10 लास्ट आर्टिकल के बारे में जानकारी दें, किस लेवल पे थे, यहाँ पे आप
फुल पेपर आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी देनी है, इसकी इसी तरीके से टाइटल आपका, पेज नंबर, डिटेल ऑफ कॉन्फ्रेंस, ISBN, नंबर ऑफ कोऑथर, वेदर यू आर फर्स्ट, यहाँ पे एट द लेवल यहाँ पे बताना है, ठीक है। बुक के बारे में भी यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने का सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे उसके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। PhD सुपरवाइजर, नेम ऑफ स्कॉलरशिप, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ आपका अवार्ड डिग्री, टॉपिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, को सुपरवाइजर का नाम, यहाँ पे इस तरीके से आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखिए, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए हमारा जो चौथा स्टेप है, मेडल अवार्ड। अगर आपको देखिए मेडल मिला है, पर्टिकुलर नेम ऑफ मेडल अवार्ड आपको किस ईयर मिला था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, नंबर ऑफ मेडल कितने मिले थे, यहाँ पे उसकी अपलोड फाइल यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, आपका सेमिनार अटेंड किया उसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बताना, स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, आपका पर्टिकुलर पेपर क्या था उसके बारे में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, अटेंड यहाँ पे क्या किया उसके बारे में जानकारी देंगे। ये सब जानकारी देने के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अपडेट करने के बाद रेफरेंस नंबर देना है जो आपके साथ काम किया है, फुल नेम, डेस्टिनेशन, ऑक्यूपेशन, फुल एड्रेस विद ईमेल। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा आपको जो है रेफरेंस टू का डेस्टिनेशन, आपका फुल एड्रेस देना है। वेदर यू हैव बीन पनिशमेंट यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे मेंशन टाइम ज्वाइनिंग, आपका कितने समय में ज्वाइन कर पाएंगे, मंथ और डे यहाँ पे बताना है। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी, आपका जो पोजीशन, ऑफिस और हेल्ड के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको देना है। तो जो आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उस तरीके से आएगी, आपका जो है टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको लगभग इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको जो है बाकी जो मेन डिटेल है, रिसर्च, ये सब नहीं देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट की यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी आपकी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको कैरियर पे जाना है, कैरियर सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ से देखते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में निकली आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें आपको मैंने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में जानकारी दी। वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहे। वीडियो देते हैं।